गया के नगर निगम में शॉर्ट सर्किट लगने से लगी आग। वहीं इस अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुआ है खाक। इस अगलगी में मेयर और डिप्टी मेयर एवं नगर आयुक्त का कार्यकाल हुआ जलकर राख और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर खाक हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है। इस संदर्भ में नगर आयुक्त श्रावण कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है और इस अगलगी में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गया है। जैसे में फर्नीचर, ऑफिस का सिग्निंग तथा टीवी एवं अन्य सामग्री जलकर राख हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी जांच की जाएगी कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी और कारण से लगाया गया है। जांच के बाद ही जानकारी प्राप्त होगी। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कार्यालय कर्मचारी है राकेश द्वारा सूचना दिया गया है जो प्राइमरी जानकारी है वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बाकी हम लोग जांच कराएंगे आखिर क्यों आग लगी। लेकिन कोई रिकॉर्ड इसमें क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। फर्नीचर है, फॉल सीलिंग है, टीवी है और प्रोजेक्टर, यही सब केवल नुकसान हुआ है। रिकॉर्ड किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। आज बहुत खूब लगी हुई थी, हमें सूचना मिली तो एक कार्रवाई करते हुए चार गाड़ियां घटनास्थल पर भेजे। मैं स्वयं को उपस्थित था। आप तो जैसा देख रहे हैं कि जब तक स्मोक एग्जॉस्ट पूरा स्मोक हो गया था, स्मोक एग्जॉस्ट का उपयोग करते हुए आग को पूर्ण रूप से हम लोग बुझा दिए हैं। इसका क्षति का आकलन तो संबंधित पदाधिकारी कर सकते हैं, क्षति का आकलन तो मैं नहीं कर सकता हूँ। कितने देर में आग का काबू कर दिए? एक घंटे से ऊपर लगे हैं, डेढ़ घंटे में। आप बजे आप लोगों को सूचना मिला था? वही कारण देखने क्या क्या क्षति हुई सर? कॉन्फ्रेंस हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल में जितने भी कुर्सियाँ टेबल थी वो जले हैं। फॉल सीलिंग के अंदर ही आग लगी थी। संभवतः हमको जांच का विषय है, लेकिन कहा जा सकता है कि फॉल सीलिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। और बहुत पहले ही आग लगी थी, जब विकराल रूप धर लिया तब हम लोग को सूचना मिली। अरविंद प्रसाद।